हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि टिकट दरअसल नसीब से मिलता है। टिकट बंटवारे में नाराजगी के बीच में सीएम का यह बयान, उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब टिकट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में प्रत्याशियों के बीच में नाराजगी है। 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट आने ही वाली है। ऐसे में आक्रोश, गुस्सा, बेइत्मीनानी और असंतोष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उन नेताओं की तरफ से सामने आ रहा है जिन्हें टिकट नहीं मिला है, या उन विधायकों की तरफ से जिनके टिकट काट दिए गए हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि भाई साहब जरा इत्मीनान बनाइए, टिकट भी नसीब से ही मिलता है। समझाने बुझाने की कोशिश की। मनोहर लाल ने किस अंदाज में क्या कहा है आप खुद सुनिए। ध्यान में रहती होगी, कम से कम हमारे ध्यान में तो नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, कि एक एक स्थान पर जीतने वाले एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले एक से ज्यादा लोग होते हैं। हमें भी कई बार ध्यान में नहीं आता कि उन 4 या 5 में से एक की सिलेक्शन हुई तो किस आधार पर हुई। मैं यही कह सकता हूँ कि जिसकी सिलेक्शन हुई होगी शायद। गुरुग्राम जिले में तो 4 में से 3 तो बदली थी। अभी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, मेरा नहीं।